टकी को आपने गाड़ी थी साढ़े पाँच करोड़ रुपया आपने वो एक वीडियो चल रही थी आपने कहा कि अगर इसको बेचना हो तो सबसे पहले मुझसे ही रब्ता कर लेना तो अभी नहीं लूँ अच्छा गाड़ियों में देखा क्या जाता है सुनील भाई हमारे यहाँ तो ये टक करके अभी ये भी बजा के देख रहे हैं टन टन आवाज़ आ रही है बम्पर टू बम्पर जूनियन है मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप कभी कोई गाड़ी देख रहे हैं तो मैकेनिकली साउंड होनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उर्दू की एक लाइन है मुश्तरी होशियार बाश

तो मोटरसाइकिल ऐसा है जैसे आप घोड़ा चला रहे हैं घोड़ा चला आप घोड़े के ऊपर दोनों टांगे एक तरफ करके बैठ सकते नहीं बैठ सकते सो मोटरसाइकिल पे क्यों बैठेंगे यूट्यूबर्स पे अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो इस पे आप क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और डिफेम करना एक मेंटल हेल्थ तो खराब होती है हम लोग ये चाहते हैं कि मेरी जो गलतियां हैं उस पे आप आंखें बंद कर लें और दूसरे की गलती में मक्खी की तरह उसके जख्म पे जाके बैठ ठीक है हम इग्नोर नहीं करना चाहते

इसमें कोई दो राय नहीं है हमारा भी है लेकिन वो <coughs> कराची को तो गरीब की माँ रोशनियों का शहर लेकिन ये थोड़ा सा इस चीज़ में मैं चाहता हूँ कि कराची के हवाले से आप क्योंकि आप लाहौरी है लाहौरी लाहौरी है हाँ जी तो एक टसल भी देखी जाती है हालांकि ऐसा नहीं।, नहीं है कराची और लाहौर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है नहीं बिल्कुल इसमें हम तो अप्रीशियेट करते हैं कि लाहौर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हो गया है और मुस्तफा कमाल के दौर में कराची बड़ा डेवलप था चाहिए तो आप लोग जब आते हैं कराची के हवाले से सबसे पहले क्या जहन में होता है मोबाइल बड़े बड़े अंदर रखो छोटे छोटे निकाल लो या क्या है वॉलेट चेंज करो अच्छा मैंने कराची का ये है कि मैं कराची हैव बीन कमिंग जब से मैं बचपन से आ रहा मेरे दादा कराची में होते थे तो मेरे लिए तो कराची एक सेकंड होम है और तारिक रोड पे उनका घर था तो जब तक मैं तारिक रोड ना हो तो मेरा कराची स्टार्ट नहीं होता और कराची का मैंने वो दौर भी देखा है नाइन्टीज़ में जबकि सिक्योरिटी के, के हालात आज से बहुत बुरे थे नाइन्टी टू की बात करें नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर का जो दौर था ना उसमें तो मतलब लिटरली कर्फ्यू देखा हमने कराची में हाँ, गलियों में और वो बड़े बुरे हालात देखे तो उस लिहाज से तो अब जब मैं कराची आता हूँ तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि एटलीस्ट आप निकल सकते हैं रोशनियों के शहर की रोशनी वापस आ चुकी है यस एक चीज़ है जो कि हमारे यहाँ पे अगेन वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि लोग ईजी मनी के लिए जाते हैं मोबाइल स्नैचर मोबाइल क्यों स्नैच करता है पहले ज़माने में गाड़ी चोरी होती थी अगर मेहरान या ऑल्टो चोरी होती थी वो 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 बीस पच्चीस हज़ार रुपए की बिकती थी चोरी होकर अच्छा आज मोबाइल चोरी करके उसे महंगा बिक जाता है महंगा तो इसलिए मोबाइल स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा है उसके अलावा तो अल्लाह का बड़ा एहसान है जितना हम अल्लाह का शुक्र करें बहुत बेहतर सूरत हाल हो चुकी हुई है कराची की एंड मेरे ख्याल से मतलब जिसकी भी नज़र लगी थी अब रिकवरी की तरफ अल्लाह खैर करेगा अल्लाह खैर करेगा क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ सुनील भाई कि कोई चीज़ अगर यूं हुई है ना तो वो फिर यूँ फिर हुई है ऐसे ही ऐसी ये है एक सर वक्त की सबसे अच्छी चीज़ है बेशक वो अच्छा हो या बुरा हो एक सा नहीं रहता एक सा नहीं रहता वक्त गुज़र जाता गुजर जाता है और जब आप बुरे साइड पे होते हैं तो आप इस चीज़ की उम्मीद रखें कि अच्छा है बल्कि जब अच्छा होता है तो मुझे ये डर लग रहा था कि बुरा आएगा बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैंने फॉर्चुनर भेज दी अगला कदम दे दिया अब आप हाँ मुझे बताएं कि मैं क्या लू फॉर्चुनर क्योंकि चलाई टू पॉइंट एट डीजल ठीक है और बहुत इंजॉय किया ऑफ रोडिंग ये वो अच्छी गाड़ी है इसमें कोई दो राय पूरा नॉर्थ घूम के आए वहाँ पे सब सब। गाड़ियों के रिव्यूज बनाए NCP. मुझे कंपटीशन फील हुआ मैं कहीं आ रहा है लड़का <laughs> तो अब आपको क्या लगता है कि वीएड की तरफ जाना चाहिए मुझे यार जो मेरे ख्याल से उस लिहाज से अगर आप देखें वाइज मूव बनता है या वी ले सकते हैं या प्राडो ले सकते हैं हाँ। पराडो में अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है कि वो 2.7 इंजन जो है वो टू पॉइंट सेवन इंजन जो है उसको अंडर पावर आपको लगे तो सही तो मेरे लिहाज से अगर मेरे से मशवरा मांगे तो यस वी एट जी वी फिर इनशाला आपका भाई दिखेगा और वो सुनील भाई के साथ रिव्यू भी पक्का है इन मैं बेहतरीन तरीके का रिव्यू भी दूंगा

फिर कोविड के दौर में दो साल तकरीबन ऐसे थे कि हम लोग ना सबकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई थी कि जी किसी से हाथ नहीं मिलाना कहीं मिलना नहीं ना ही के नहीं जाना तो वो एक मजबूरी के लिहाज से दोबारा से कहते हैं ना बाल लंबे हो गए तो अब दो साल हो गए मैं ना मैंने अपने आपसे इन शाला वादा किया मैं इस साल हज पर जाऊँगा फिर इन बहुत आपको एडवांस में मुबारकबाद हज की तरफ और ज़बरदस्त आपने बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी हज किया और वो दो मैंने सर तीन हज किए थे दो हज़ार बारह और चौदह में नौ बारह और चौदह क्या बात है क्या बात है हजय अकबर भी मिला है आपको हाँ जी मिला है हाँ जी। क्योंकि जुम्मे वाले दिन वाले हज को हजय अकबर कहते हैं अच्छा सुनील भाई सिलसिला ये है कि अल्लाह आपका भला करे रोडों के हिसाब से इस टाइम कराची के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है तीन चार मिलियन के अंदर रोडों के हिसाब से रोडों का भी आप हाल देख चुके हैं

और मेरा मसला ये है कि नई गाड़ी जितने की अगर फर्ज करें आप तीस लाख रुपए मुझे कहते हैं तीस लाख रुपए में छः सौ साठ सी सी ऑल्टो आती है ठीक है छः सौ साठ सी सी ऑल्टो में मेरे और आपकी जजामत के चार लोग पूरे आके नहीं जाते <laughs> ठीक है ठीक उसी ठीक में अगर मैं और आप नाइन्टी सिक्स का एक लैंड क्रूजर लेते हैं और उस पर तीन चार लाख रुपये लगा के उसकी रिलायबिलिटी भी ठीक कर लेते हैं मुझे लगता है इट्स मच मोर वैल्यू टू मनी प्लस कराची की सड़कों की जो हालत है उसमें अगर आपके पास जीप या क्रॉस ओवर या एस यू भी है तो बेहतर है जो जिससे कहते हैं ना छोटी गाड़ी वो तो कई तो खड्डे आजकल खासतौर पर डिफेंस जो कराची का बड़ा पॉश एरिया समझाता है उसमें कई ऐसे खड्डे हैं कि अंदर गिरे तो बाहर ना निकले जी जी अलशिफा रोड सारे क्योंकि देखिए हर कुछ गुदबा है आजकल वो सीवेज वगैरह भी डल रहा है ये वो मतलब आप गूगल पे कहीं जाए तो वो बता लेते हैं गूगल कहते हैं आगे सड़क है वो आगे सड़क नहीं होती तो उस लिहाज से मेरा पर्सनल चॉइस है वैसे भी मैं खुद जरा पुरानी गाड़ियाँ पसंद करता हूँ अच्छा टक्की को आपने गाड़ी दी जय कितने की साढ़े पांच करोड़ पाँच करोड़ तक अच्छा कुछ एलिगेशन वीडियोस भी चल रही थी कि, कि कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और इस तरीके इस पे तो कोई वो नहीं है सदाकत वो गाड़ी एनसीपी गाड़ी है वो गाड़ी वो गाड़ी नहीं, नहीं वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी तो देखें पाकिस्तान में वैसी ड्यूटी उसके ऊपर तकरीबन टोटल टोल अगर आप बुलाएंगे सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी परसेंट है जबकि पेट्रोल गाड़ी पे चार सौ प्लस परसेंट है वॉडी शोरूम से जीरो मीटर ली हुई थी तो मैंने तो नहीं की एनसीपी बड़ा ही नहीं है ना ये तो इसीलिए मैंने कहा आप ये बोल देंगे ना तो क्लियर हो जाएगी अभी उसका वो मैंने देखा स्क्रैच स्क्रैच भी लगा है

इश्यू ये हुआ था जब मैंने गाड़ी बेच नहीं रहा था वो मेरे पास एक दिन सुबह सात बजे उसका मुझे फोन आया कि जी आपका फलानी गाड़ी है मैं कहा मैंने किस ने जी मुझे फलानी गाड़ी देखनी कहाँ देख सकते हैं मैंने कहा गिराज में खड़ी है तो वो देखने आ गया और वो के जी मैंने लेके जानी वो मैं अच्छा फिर एक शर्त पे दूंगा जिस दिन तुमने बेचना है तुमने मुझे पूछना है अगर उस दिन मेरे पास पैसे हुए तो पहला राइट मेरा है नहीं तो तुम किसी को भी दे देना ये एक एपिसोड हो गया जिस दिन हमारे वो दफ्तर में क्यूं नहीं हो रहा था उन्होंने कहा अगर आज ये गाड़ी है वो आपको दे रहे आप एक और एक और एक तो तो नहीं है तो अभी नहीं लूंगा तो वो लोगों ने चाहेंगे तो ले लेंगे नहीं लेना चाहेंगे तो मैं जिस दिन अगर उसने बेचने का वो मूड बनाता है फर्स्ट राइट ऑफ रिव्यूज का मतलब उस दिन मुझे पूछेगा कि भाई आपने लेना नहीं आपके निकाह में दी नहीं आपने लेना और दे देगा तो पहला राइट मेरा बिल्कुल है तो अभी है। जिस दिन सोचेगा उस दिन देखिए नहीं नहीं अच्छी बात है भाई क्यों बेच रहे हो यार चलाओ अच्छी बात है तुम पे सूट भी कर रही है चलाओ अभी कितना टाइम हुआ है छह महीने हुआ है पाँच छह महीने हुआ पाँच छह महीने हुए चलाओ एक आध साल तो चलाओ चलाएगा चलाएगा वो तो वैसे थोड़ा शरारती इंसान है जैसे किसी ने कह अच्छा 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 जितने भी रिव्यूज किए हैं सेलिब्रिटीज के साथ यूट्यूबर्स के साथ इनमें सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी किसके पास है डकी के पास कहेंगे या किसी और के पास

उसके बैठा था काजल तो सामू लाभ नहीं सकती लेकिन वो कम अज कम उतना जनरली <laughs> तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा कहना ये कि हर बंदे की जो एक जवानी का आपका टाइम होता है ना उस टाइम की जो गाड़ियाँ होती हैं उस टाइम का जो म्यूजिक होता है उस टाइम की जो हीरोइन होती हैं वो आपके दिमाग में सारी उम्र के लिए फिक्स हो जाती है नहीं नहीं आप असल में गुरु हैं डॉन है गाड़ियों के और सारे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से आपको लोग क्रॉस चेक करते हैं आपकी वीडियो को देखते हैं और वहाँ से निकालते हैं कि भाई इन्होंने रिव्यू अच्छा दिया तो ये अच्छी है आप पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं तो वो आपकी तो एक पसंद तो बनती है बिल्कुल मैटर करती है अच्छा गाड़ियों में देखा क्या जाता है सुनील भाई हमारे यहाँ तो ये टक करके अभी ये भी बजा के देख रहे हैं टन टन आवाज़ आ रही है बम्पर टू बम्पर जीनियर है लड़की ने चलाई हुई है लेडी डॉक्टर ने चलाई हुई है ये ये सारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई ये चीज़ें देखो भले वो अजीब सी पीली सी हो जाती है ना mm -hmm. जेनियन जेनियन आगे गाड़ी थोड़ी सी पीली हो हो गई तो तो जेनियन हो बस क्या तो क्या हम क्या देखें गाड़ी में लेते वक्त कोई अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे रहे मेरे तो से अगर तो तो कोई टिप पूछता तो मैं तो ये कहता हूँ देखिए आपने गाड़ी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है दो चीजें हो सकती हैं एक तो आप एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस्तेमाल करना है उस केस में सबसे ज्यादा चीज क्या आपको चाहिए कि आप सड़क पर रुके हुए ना हो रिलाल हो गाड़ी दूसरी चीज़ फिर उसमें आपका एक फैक्टर ये आ जाता है कि एक लुक गुड फील फैक्टर हो जाता है जब आप कहते हैं यार मैं किसी चीज़ में जा रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनलिटी के साथ रेजोनेट करे या अगर मैं उसमें बैठ के जा रहा हूँ अच्छा लगे यही वजह है कि अगर से मेरी जेब में ऑल्टो के पैसे हैं तो मैं कहता हूँ मैंने स्विफ्ट लेनी है स्विफ्ट के पैसे हैं तो मैं कहता हूँ मैं मैंने सिटी लेनी है सिटी के पैसे हैं तो मैं कहता हूँ जी मैंने सिविक लेनी है लोग ऊपर से ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो जब आप यूज गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये देखना चाहिए रिलायबिलिटी से अगर मैं आज आपके घर आया हूँ तो आपने मुझे दरवाजे पे नहीं रोक लिया कि यार जिस गाड़ी पर पे हैं उसका पेंट जैन नहीं है ऐसे ही है। ये हो सकता है कि अगर मैं गाड़ी गंदी पे हूँ तो आप बाद में जब मैं चले जाऊँ आप कहें यार कैसा आदमी था इसकी गाड़ी कितनी गाड़ी गंदी, गंदी थी एज अ पोस्ट टू दिस अगर वो चमचम -चम कर रही हो बेशक पूरी भी पेंट हो तो आप कहेंगे ठीक है मैं एक घंटे की मुसाफत तय करके आऊँ अगर वो गाड़ी रस्ते में रुक जाएगी देन इट्स ऑफ नो गुड टू मी तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप कभी कोई गाड़ी देख रहे हैं तो मैकेनिकली साउंड होनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो एक उर्दू की एक लाइन है मुश्तरी होशियार बाश सो आपने सारा कुछ वेरीफाई करना है जब आपने लेना है क्योंकि बाद में अगर कोई ट्रबल होगी या कोई चीज़ होगी तो फिर आप दफ्तरों के चक्कर काटेंगे इधर से उधर शीशो बनेंगे तो वो ज़्यादा जरूरी है पेंट जैन ना, ना होना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं ऐसा ये गाड़ी में ये नंबर प्लेट का भी कोई गेम है लाहौर नंबर की गाड़ी महंगी हो या इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी महंगी हो कराची नंबर की गाड़ी सस्ती है ये कोई है कराची जैसे मजे की बात है कि हमने वो वैसे तो हम बड़ा कहते हैं कि जी हमारा पूरे मुल्क जिस हम बात करते हैं कि जी लाहौर कराची इस्लामाबाद सैलाबाद सब एक है लेकिन कराची के अंदर कराची नंबर की गाड़ी महंगी होगी लाहौर में लाहौर नंबर की महंगी होगी अगर आप लाहौर के अंदर कराची नंबर बेच रहे हैं वो सस्ती बिकेगी कराची के अंदर लाहौर नंबर बेच रहे हैं वो सस्ती बिकेगी बिकॉज इतने सालों बाद भी हमारे जो एक्साइज है ना वो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है अगर आप लाहौर नंबर की गाड़ी आज कराची में रहते हैं तो आपको फिजिकली इंस्पेक्ट करानी है ट्रांसफर के लिए आप उसको वहां लेके जाएंगे इस्लाबाद नंबर की गाड़ी आज आप एफ ले लें यहाँ ले पे लाख दो लाख रुपए की गाड़ी है।, सही है पहले आप उसको ऑल द वे इस्लाम चला के लेके जाएंगे उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन कराएंगे फिर वो ट्रांसफर होगी तो अभी हम कई चीज़ों में ना बड़ा पीछे हैं दुनिया से डिजिटल को हमने अपना लिया है बट वो डिजिटल अपने इश्तार लगाने के लिए ज़रूर है बट आवाम के लिए ज़रा थोड़ी अभी मुश्किल है मुझे पता चला ये एक्सपो पे भी माशा आप अभी मेरा गुजर हुआ तो गाड़ियों की मार्केट लगी हुई थी तो वो पता चला कि आप लगवाते हैं हमारा यूज कार मेला होता है लाहौर कराची इस्लामाबाद मुल्तान फैसलाबाद सारे शहरों में होता है ये ये एक्सपो हर छे महीने बाद कराची में होता है कराची में तकरीबन हर दो महीने बाद होता है हर दो महीने बाद अच्छा। होता है वहाँ पे फिर गाड़ी वो एक दिन की एक्टिविटी होती है कि लोग आए गाड़ी खरीदें उसका फायदा ये होता है कि आप अगर फर्ज करें गाड़ी लेने आए हैं पहले तो वरना आम बंदे ने गाड़ी जो लेनी होती है चूंकि प्रोसेस होता है वो छह सात गाड़ियां सेलेक्ट करता है फिर वो मैकेनिक को लेके जाता है टक टक करता हुआ फिर आप मैकेनिक को आंख मारते हैं वो पांच सौ रुपए लेके आप गाड़ी चिपका देता है so उसमें आपको फायदा है आपको फायदा ये कि एक छत के नीचे डिफरेंट डिफरेंट जो आपको एक छत के नीचे गाड़ियां मिल जाती हैं वहीं पे हमारी इंस्पेक्शन टीम भी होती है आपने गाड़ी इंस्पेक्ट करानी है वो आपको इंस्पेक्ट करके उसकी रिपोर्ट दे देगी तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट पता होता है यार मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ कैसी है तो वो एक दिन की एक्टिविटी होती है आगे आपका क्या प्लान है भाई माशाला पाक व्हील्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफे अवल पाकिस्तान में आप गाड़ियों के हिसाब से कोई और भी इन फ्यूचर प्लान है कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई और दूसरा अच्छा नहीं मेरा बड़ा क्लियर फोकस होता है कि हम जो भी देखने काम देखने करते हैं मैं इधर उधर किसी चीज़ में टाइम नहीं जाया करता जो अगर हमें गाड़ी को मेरे बारे में पता है उसी के अंदर पार्क वीज के अंदर भी अगर हम देखें जब से शुरू हुआ है दो हज़ार तीन से बीस साल हो गए कई दफ़ा लोगों ने बोला कि जी आप ये कर लें बिकॉज इट्स क्लासीफाइड वहाँ पर लोग जिस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हैं यूज चीजें भी लगाते हैं बेचने के लिए फोन भी लगा दिया तो हमने बड़ा क्लियर रखा हुआ है क्या हमने सिर्फ गाड़ियों के बारे में करना है उनसे रिलेटेड जो जो, जो चीजें हम ऐड करते हैं जैसे इंस्पेक्शन सर्विस मैंने आपको बताया हम लोगों ने ऐड की फिर उसके बाद ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स है अगर आपने पार्ट्स मंगाने हैं पार्ट्स भी हैं उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हम शुरू करें प्रोडक्ट्स के अलावा और प्रोडक्ट जो शुरू करने लगे वर्कशॉप का So, अगर आपने गाड़ी सही करानी हो तो आपको ये नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड वर्कशॉप कौन सी होगी सो so, हम पार्टनर वर्कशॉप शुरू करें उसमें ये होगा कि लाहौर हो कराची हो इस्लाम हो आप कहीं भी फिर रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होगी कि अरे मुझे वही सर्विस मिलेगी कि नहीं हाँ सो दैट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट दैट वी एडवी नहीं नहीं माशा और एक नाखुशगवार वाक़ हुआ था सुनील भाई इस पर आपके पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे ने सर मैं तो देखें, कहते लोगा लोगा कितनी एज पे आप बच्चे को गाड़ी दें क्या है आप क्या यार दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट एज है तो मैं तो ये कहता हूँ जहाँ पे जो मुल्क का असूल है आप वो फॉलो करें पाकिस्तान में अगर अठारह साल है ना तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सतारह साल और तीन सौ चौंसठ दिन का तो मुझे चलाने दें यू हैव टू ड्रॉ बैरियर अगर अट्ठारह साल है तो अठारह साल ही है और ये मैं बड़े अरसे से चीखता आ रहा हूँ कि ये कोई प्यार नहीं है कोई मोहब्बत नहीं है कि आप अपने बच्चे को ये गाड़ी दे के भेज दें सड़क पर देखें आपको अगर आपको लगता हो ये प्यार है तो आपको किसने ये राइट दिया कि सड़क पे जो दूसरे लोग हैं उनकी जिंदगी आप अपने प्यार के चक्कर में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें या रेस्ट पर डालें पहली बात दूसरी बात हमारे माशरे में ना जनरली हमें ये कॉन्सेप्ट है कि जी हमने दूसरों को बुरा कहना है दूसरों को ब्लेम करना है आप किसी को मिलेंगे ना तो वो कहेगा जी ट्रैफिक के हालात देखें कैसे हैं उसके घर में से वो बच्चा होगा जो दही लेने मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा जिसके पैर भी जमीन पे नहीं लगते होंगे अभी मैं आपके पास आ रहा था मैंने पेट्रोल स्टेशन पे एक बच्चा देखा लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा वो चौदह साल का था वो गाड़ी चला रहा था कार उसका बाप उसके साथ पीछे से आ रहा था वो गाड़ी वॉश की सर्विस से निकाला था तो मेरा दिल किया कि मैं जाके पूछूं कि भाई अच्छा नहीं लगता बेटा क्यों आप उसको एक मशीन पे पढ़ा रहे हैं जो कि मतलब दुनिया में जो भी रूल बनते हैं उसकी कोई रीज़न होती है ना तो अठारह साल की उम्र में कोई फर्क होगा हम भी जब अट्ठारह साल के थे हम समझते थे कि हम इमोटल हैं हमने मरना ही नहीं है रेस भी लगाओ सारा कुछ करो जब आप बड़े होते जाते हैं एक साइड आप में ठहराव आता है तो इसीलिए वो जो कोई एज डिसाइड की गई है कि आप जिस पे गाड़ी चलाएं मिनिमम एज उससे नीचे नहीं चलानी चाहिए तो हमें एज अ माशरा एज पेरेंट्स एज गार्डियंस या अपनी सोसाइटी में भी अगर मैं तो अक्सर दफ्तर के नीचे कोई मुझे मोटरसाइकिल में बच्चा मिले तो मैं कहता हूँ बेटा तुम क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हो हेलमेट किधर है देखिए हम लोग कहते हैं पुलिस चलान करती है मैं सवाल पूछता हूँ कि यार उनको इस हेलमेट पहचानने से या पहनने से कोई फ़ायदा है अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है ज़िंदगी जाती हाँ। है आप अपाहज हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए पुलिस को इससे क्या फ़ायदा है तो जनरली ये तो देखिए मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी कि हम इसको डिस्करेज करें अगर लोग अंडर एज ड्राइविंग करते हैं या लॉ को फॉलो नहीं करते हेलमेट नहीं पहनते मोटरसाइकिल के शीशे नहीं लगाते हर बंदे ने सुबह उठ के मेरी जैसी शक्ल के साथ भी शीशा ज़रूर देखना है मोटरसाइकिल पर नहीं लगाना <laughs> क्या अच्छी बात है तो वो ज़रूरी है नहीं सुनील भाई एक बात ये भी बताइए कि मोटरसाइकिल पे थोड़ा सा आपका रोमांस कम है बनस्बत गाड़ियों के मोटरसाइकिल पे रोमांस कम नहीं है मोटरसाइकिल बड़ी रोमांटिक से आ है अगर आप किसी को पीछे बिठाए हाँ। तो खुद ही रोमांस शुरू हो जाता है <laughs> ब्रेक अगर आप ज्यादा लगा ले। हाँ। लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान में मुझे ये जनरली लगता है कि आप जो मोटरसाइकिल है ना उस उसपे आपका डेंजर इस लिहाज से ज्यादा है कि अगर पीछे से कोई बंदा गैर जिम्मेदारी से आ रहा है आप बेशक ऐसे ही चला रहे हैं मेरे साथ तीन चार दफा हुआ है ये भी मेरा पजामा आपको मैं दिखाता हूँ देखिए रफुआ मैं सादा आदमी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपके टीवी बता बताता हूँ है तो मैं ये स्कूटर पे गिरा अपनी बेटी के साथ नहीं ये तो बल्कि और ये भी बोला जाता हमारे बुजुर्ग बोलते थे शैतानी चरखा है मैं बता रहा हूँ पिछले महीने मैं अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आजकल बहुत बहुत ट्राई करता हूँ हाँ। तो बिल्कुल ऐसा था बट वो बारिश हुई भी थी सड़क था तो मैं गिर गया ये भी फट गया और चोट मुझे भी लगी बेटी को भी लगी टेडनेस का टीका लगा मुझे लगता है कि वो थोड़ी डेंजरस है डेंजरस है पहले मैं बहुत चलाता था हैवी बाइक भी चलाता था लेकिन अब मैंने अपने बाइक बाकी बहुत डेंजरस है सुनील भाई और इस मौसम में जब बाइक हाँ। आप चला रहे हैं सर्दियों में सर्दी गर्मियों में गर्मी जी, जी मुंह कड़क हो गया आपका और आ, आप, आपके साइज का तो हेलमेट भी नहीं मिलना मुंह का साइज ना मुंह का साइज और हमारे साइज पे हेलमेट भी नहीं मिलता और और मेरे साथ और होता है मैंने हाँ। हेलमेट पहनो समझते को लड़की जा रही है आप आपका साइज कम है ना तो आपके साइज पे हेलमेट में मुंह घूम जाता है मैं कह रहा हूँ पीछे पोनी नजर आती है समझते कुड़ी जा रही है लेकिन ये बाइक पे ये है एक बड़ा मसला कि सेफ्टी तो नहीं है अच्छा खवतान अक्सर एक्सीडेंट में ख़वान गिरती हैं बड़ा अफसोस होता है वो बैठी हुई होती हैं यूं करके और उनका अबाया कोई फंस गया या कोई ऐसा मामला हुआ और वो जी 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 गिर गई तो बाइक पे कैसे बैठना चाहिए यार मेरे ख़्याल से बाइक पे बैठने का तरीका वही है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है ज़रा एक्ज़ाम्पल तारीक मसूर साहब की बात हो रही थी मेरे से अक्सर लोग बहस कर रहे होते हैं कि जी चार शादियाँ तीन शादियाँ मैंने कह बात सुनो अगर आप मर्सिडीज़ लेते हो डीलरशिप पे जाते हो उनके पास मैनुअल है आपको पता है यार इन्होंने बनाया ये वो तो अलामिया ने मर्द को बनाया और अलामी ने इजाजत दी इसका मतलब अल्लाह को पता है कि इसके अंदर इस चीज़ की अर्ज है सही ठीक है इसी तरह जिसने मोटरसाइकिल बनाया है मैंने और आपने तो नहीं बनाया नहीं बनाया ना ही बरे सगीर में बना जहाँ से बना गुरु ने बनाया उन्होंने बैठने का तरीका बताया तो मोटरसाइकिल ऐसा है जैसे आप घोड़ा चला रहे हैं घोड़ा चला आप घोड़े के ऊपर दोनों टांगे एक तरफ करके बैठ सकते नहीं बैठ सकते सो मोटरसाइकिल पर क्यों बैठेंगे और वो सिर्फ मजे की बात बताऊं हमारे शहरों में है अगर आप साउदर्न पंजाब भी जाए ना तो, तो उधर भी खवातीन दोनों टांगे साइड हाँ। नहीं भाई की तरह ही बैठी हुई होती है उसका वजह ये है कि आपकी ग्रिप ये कि जब आपकी टांगों के दरम्यान से घोड़ा है तो आप जब उसको ग्रिप करेंगे तो आपकी ग्रिप ज्यादा है जब आप इस तरह बैठे होते हैं तो वैसे ही आप झूल रहे होते हैं तो बाय ऑल द स्टैंडर्ड जिसने मशीन बनाई है उसके लिए नहीं बनाई फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे खवातीन ने जो अबाया पहना होता है वो फिर मोटरसाइकिल के रिम में फंसता है और लोग गिरते हैं इसमें चेन इस पॉकेट मेरा ख्याल है जो चेन का कवर होता है वो भी नहीं लगाते लोग जी, जी 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 जो कि लगाना बहुत जरूरी है और खातिन को जब बिठाएं तो वो जिस तरह सुनील भाई बता रहे हैं ऐसा ही है घोड़े की तरह मैं भी एग्री करूंगा इस चीज पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ ऐसे ही होना चाहिए बट मुझे ये लगता है कि इसमें संभाव हमारे लोगों ने पता नहीं कह दिया कि शायद इसमें कोई बेहे आई है या बे गैर इस्लामिक आई आई डोंट डोंट फाइंड इट। पुराने जमाने में अगर यान घोड़ा चलाती थी वो मैं मैं नहीं आई आई एम एम होपफुल अगर मैं पीछे जाके देख सकू पुराने जमाने में तो मेरा नहीं कल कोई खान ऐसी होगी जिसमें हमारे यहाँ पे खातून मोटरसाइकिल बैठ के आती है तो वो भी इस्लामिक था तो ये भी इस्लामिक होगा बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है ड्राइविंग के लिहाज से सुनील भाई आपने पूरी दुनिया ट्रैवल किया है सबसे बेहतरीन मुल्क किसे कहेंगे कि यार यहाँ पे आता है भाई मज़ा ड्राइविंग के लिहाज से यार जहाँ पे भी फाइन ज़्यादा है ना जहाँ आपको पता लगता है कि यार मैं कानून तोड़ूंगा और ऐसी की तैसी हो जाएगी मैं ड्राइविंग का बड़ा मज़ा आता है और हमारे यहाँ भी यही रीजन है कि हमारे यहाँ लोग फॉलो नहीं करते हमारे यहाँ फाइन बहुत कम है क्या बात है ये गल्फ की बात हो रही है गल्फ हो गया यूके हो गया अमेरिका हो गया आपने जब आप अगर फाइन ज्यादा ये गल्फ, गल्फ में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, है। ये दुबई में तो कुछ रोड तो दस दस हजार धर्म की भी आवाजें आई है कि यहाँ पे इतना काट देते हैं तो फिर इसीलिए वहां पे जाके देखे ना कि हमारे पाकिस्तान के लोग आर नंबर वन ड्राइवर इन दुबई <laughs> और ये मैं आपको स्टेटिस बता रहा हूँ पाकिस्तान के ड्राइवर दे नंबर वन इन दुबई यार देखे आप ये कवाल है भाई कवाल है तो फिर है तो पंजाबी में कहते हैं डंडा तेंद पी रहे रहा हैं है, तो जितना फाइन ज्यादा होगा उतनी ट्रैफिक अच्छी होगी अच्छी होगी तो ये अच्छा ट्रैफिक तो जैम वहाँ भी होता है यहाँ भी होता है बम्पर से बम्पर गाड़ी लगी हुई है तो क्या है ट्रैफिक का सोल्यूशन भी कोई है आपके अंदर यार मेरे जेहन में है बिल्कुल है एक तो हमारे यहाँ पे देखे, जो रोड देखिए हमारी हमारी रोड़े दुनिया की काफी से बहुत बड़ी है। बड़ी है। बहुत बड़ी 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 ठीक तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास है और आपके मेरे पास अगर आज आ रही तो हमारे पास ना है। ये वो त... मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ जितने अमीरी है जिनके पास ज्यादा है ना उनके लिए ये कहने की बात है यार पुराने जमाने में कराची में सौ होती थी जिनमें सौ हम लोग थे बाकी इनके पास गरीबों के पास क्यों आ गई तो वो सोल्यूशन नहीं है ये एजुकेट करें आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में लोगों को पढ़ाते हैं उसमें आप करिकुलम में शामिल कर दें कि रोड साइंस क्या होते हैं रोड को कैसे करना है लाइन एंड लेन क्या है आपको मतलब हमारे यहां पे आप गोल चक्कर पे चले जाए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आपने चुरंगी पे जब एंटर होना है जो राइट से अंदर मौजूद है उसका राइट है राइट हैंड ट्रैफिक में राइट इज ऑल राइट आप कराची में करके देख लें आप अंदर आ रहे होंगे ना वो दूसरे वाला आपको चैलेंज करा होगा मैंने अंदर घुसना है बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इफ यू आर इन द सर्कल दूसरा एंटर नहीं हो सकता जब तक आप नहीं निकलेंगे ठीक है हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी रोड काम है रोड छोटी नहीं है हमारे अंदर नजमो जब्त नहीं है हम सब्र नहीं करते हम दूसरे को जगह नहीं देते अगर यू टर्न है तो अगर मैंने यू टर्न लेना है तो बजाय इसके कि मैं अपनी लेन आहिस्ता आहिस् चेंज करूँ मैं बिल्कुल एंड पे आऊँगा और फिर अपने हाथ से दूसरों को रोक रहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ <laughs> तो वो हमारे यहाँ पर जो एक है ना कि पहले मैं चला जाऊँ उस कॉन्सेप्ट की वजह से बिन जो है ना नजमो जब्त नहीं है एंड दिस इज़ मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशन का इशू है राधा दिन मैं कि जी गाड़ियाँ ज्यादा गाड़ियाँ अगर आप पर कैपिटा गाड़ी निकालें ना लोगों के लिहाज से तो हम दुनिया में सबसे लोएस्ट पे होंगे लोएस्ट पे होंगे लोएस पे होंगे सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं अच्छा सुनील भाई कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसका आपने गाड़ी का रिव्यू कर रहा वो हो वो ख्वाहिहिश रहेगा यू कोई इंडिया से भी इंडिया का कुछ बताए <laughs> इंडिया भी मुझसे निकलता पकड़ लेते रहे <laughs> तो, इंडिया असल में बहुत बड़ी मार्केट है भाई इंडस्ट्री है और हमारी व्यूवरशिप है ऑडियंस देखती है तो इसलिए हम बात भी करते हैं तो वहां से भी कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का कोई बताएं जिसकी गाड़ी का रिव्यू करना चाह रहे हो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन ये नहीं वैसे मैंने कभी इस तो तरह पाकिस्तान तो में भी तो कभी इस नहीं कि मैं फलाने का रिव्यू कर लू कर लू कोई ख्वाहिश मेरी जमील साहब से दिन मुलाकात हुई थी करने गया था तो मौलाना तारिक जमीन हाँ साहब तो अगर गाड़ी है, यूसुफ यूसुफ उनके साथ मेरा प्लान है बल्कि उनके बेटे जिनकी डेथ हुई है उन्होंने तो मुझे बताया कि उनका बड़ा ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ अपनी गाड़ियों का रिव्यू करें उनको बहुत शौक था गाड़ी। उनको गाड़ियों का भी बहुत 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 शौक था और वो बहुत बहुत फुल ऑफ है वैसे मैं चलिए एक बात बता दू मैं थोड़ा जो है ना उलमा की बात हो रही है मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुल्क में मैंने देखा है कि ये मेरा आलि है ये आपका आलिम है ये फलाने का आलिम है मैं ये कहता हूँ यार वो जो भी है ना मेरे आपसे बेहतर है वाह ठीक है और वो जो भी अपने लोग कहते हैं जी पर्सनल फोकस कर रहा है अपनी मशहूरी कर रहा है मैं कहते हैं और कर रहा है नाम किसका ले रहा है अल्लाह और उसके नबी का लेने दो पॉजिटिव चीज़ है मैं अगर गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ और अगर आपको गाड़ी का शौक है तो आपको मेरी शक्ल नहीं भी पसंद डजेंट मैटर गाड़ी के बारे में इंफॉमेशन मिल रही है जो चीज़ समझ आती है ले लें जो नहीं समझ आती छोड़ दें इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मैं एक्स वाई जी मुझे ये नहीं मुझे वो नहीं पसंद मुझे ये नहीं पसंद हमारे यहाँ पे उलमा का वो रेसलिंग मैच भी चल रहा <laughs> <रहो> <laughs> <laughs> होता है इसकी क्या जरूरत है वाई कांट बी को एग्जिस्ट टूगेदर मतलब मेरे बाल बड़े हैं आपके छोटे हैं तो हम दोनों को लड़ना जरूरी नहीं है आप कहें सुनील साहब आपके बाल अपने अच्छे लग रहे हैं मुझे अच्छे लगते हैं कुरान मस्जिद की आयत है आप तो मेरे तो बाल खींच ले मैं तो मेरे ख्याल से हमें कॉमन ढूंढनी चाहिए लड़ने के लिए तो ये चीज भी अच्छी है कि मैं कहूँ जी आपने ब्लू शर्ट पहनी है तो मैंने डार्क ब्लू पहनी है लड़ते और अगर हमने इकट्ठे होना है तो हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं जब वर्ल्ड कप में हमारी टीम बाहर निकल जाती फिर हम कहते हैं चलो कोई एशियन लेके आ जाए फिर एशियन में से कोई निकल जाए तो मैं कह रहा यूनिटी के लिए आपको कॉमन ग्राउंड नाजरों की फिजा फिजा चली चली हुई हुई है है सुनील भाई ये एक एक अजीब लहर मौसम नहीं आता आज बाहर का मौसम है मौसमों का, मौसम मौसम है, है। का एक फिजा चली हुई है मैं बड़े अफसोस से बात करता हूँ मुझे लगता है कि हमारे माशरे में जबू हाली के शिकार है कि जो जितना बदतमीज है जो किसी से डिस्फर करते हुए जितनी बदतमीजी से बोलेगा उसकी आवाज उतनी सुनी जाएगी ये बड़ी गलत एक रसम है मैं और आप अगर डिसएग्री करते हैं ना एक दूसरे से उसको करने के अदब से भी तरीके हैं बिल्कुल मैं हरे को एग्जांपल देता हूं अगर हमारे वाले साहब या घर पे कोई बुजुर्ग होते हैं जब हमें वो किसी चीज से टोकते हैं ना तो 90 परसेंट ऑफ टाइम हम उनकी बातों से एग्री नहीं करते लेकिन कभी आपने ये कहा है ओए अब्बे मैं नहीं सुनता आप कहते जी अबू ठीक है आप साइड पे करते थे करते हम अपनी शरारत है अब्बा से इख्तलाफ कर लेते हैं लेकिन एक तरीके से तरीके से अगर कोई इसी तरह कोई भी बड़ा है आपसे रुतबे में बड़ा है उदे में बड़ा है कद में बड़ा है पैसे वाइज बड़ा है किसी तरह भी बढ़ाए जरूरी नहीं कि आप उससे बदतमीजी करें आप डिसएग्री कर सकते हैं यू कैन पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस तमीज़ के साथ हमारे माशरे में ना एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई बिल्कुल पिछले दिनों कॉन्ट्रवर्सी हुई थी चले आपको एक वो दे देते हैं पॉडकास्ट के लिए सो so, शावीर की पॉडकास्ट में मैं गया साल पहले छः महीने पहले उस दिन किसी ने नहीं नोटिस किया पिछले हफ्ते किसी को आया उसने किसी ने क्लिप बना के निकाला उसमें से उन्होंने मेरे से पूछा कि जी पाकिस्तान से जो बाहर लोग जाते हैं उनको वोटिंग राइट होना चाहिए मैंने कहा होना चाहिए अब किसी ने वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा और तूफ़ान बदतमीजी गालियाँ ये लम से पड़ा हुआ जाहिल है माँ बहन पता नहीं क्या क्या गालियाँ मैं पाकिस्तान से बाहर जाता भी हूँ लोग मिलते हैं जी आपने हमारे खिलाफ बात की मैंने कहा भाई आपने पूरी पॉडकास्ट देखी नहीं जी नहीं देखी हमने वो क्लिप देखा था मैंने कहा तो आधा सच है मस्जिद में मत जाओ ये नहीं देख रहे कि नशे की हालत में वो अगले ने कहा तो भाई पूरी चीज़ देखो

फिरते हैं फ्लाई ओवर से फ्लाई ओवर एक फ्लाई ओवर से दूसरे फ्लाई ओवर अंडर पास से अंडर पास तो आप हमारी ये चुरंगी टूटी भी पे कैसे वोट दे भाई ये तो ना क्या देगा मैं कह रहा मैं आपको इसलिए एग्जांपल से समझा रहा तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई जिसने वोट देना ना आ, वो एक तो उस इलाके का रेजिडेंट हो और दूसरा रूल ये होना है कि जो खड़ा भी हो रहा है ना वो भी उस इलाके से हमारे मुल्क में एक दूसरी बदकिस्मती क्या है कि जी फलाना खम्बा भी खड़े करेगा तो मैं उसको वोट दे दूंगा क्यों भाई क्यों दे दूंगा पॉइंट ये है कि वो खंबा तो दोबारा कभी आना नहीं है उस इलाके में मैं अगर नादिर को पकड़ नहीं सकता कि भाई ना इस मोहल्ले में रहता है कि भाई ये सड़क सही कराओ ये गटर सही कराओ ये कम्युनिटी सेंटर बनवाओ हमारे इस एरिया को ठीक करो नादिर ने वोट लेके आना और चार साल बाद नज़र ही नहीं आना क्योंकि वो तो खंबा था किसी और ने खड़ा किया था तो मेरा पॉइंट ये दूसरा अगर देखे पा, पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं मेरे आपके हर घर में से कोई ना कोई बाहर है तो मुझे किसी एक्सपर्ट से कोई ना लड़ाई है ना मुझे कोई मसला है मेरा पॉइंट ये कि जब आप दुबई यू ए जाते हैं मज़दूरी के लिए वो आपको सारी उम्र कोई सिटीज़नशिप नहीं देते आप पाकिस्तान के शहरी हैं आप बिल्कुल आए वोट दें बट अगर आप जा रहे हैं कि यूरोप में जा रहे हैं आपने पासपोर्ट ले लिया यूके का अमेरिका का आप टैक्स उनको दे रहे हैं आप बेनिफिट्स उनके एंजॉय कर रहे हैं फिर आप साल में दिसंबर की छुट्टी मनाने पाकिस्तान आए और आके कहें यार मैंने तो वो नादिर को देना क्यों भाई नहीं आपका पॉइंट तो जस्टिफाइड है इस पर एतराज क्या हुआ एतराज भाई आप बाहर के लोगों को कैसे आप

और अगेन उसमें कोई वो उनकी कंट्रीब्यूशन पे कोई डाउट नहीं है उनके पाकिस्तानी होने पे कोई डाउट नहीं है मेरा सिंपल रीज़न ये है या तो आप एक ऐसा निज़ाम बना दें कि जो एक्सपर्ट है वो जो वोट देगा वो किसी एक ख़ास हल्के के लिए देगा या हमारे पास प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होकर जी एक बंदे को वोट दे देगा बट अगर आपने लोकल इलाके के रिप्रेजेंटेटिव उठाने हैं मुशरफ साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया था उन्होंने डेवल्यूशन ऑफ पावर कर दी थी नाजिम सिस्टम आ गया था कि आपके इस इलाके का जो नाजिम है वो इधर से योग आप उसको वोट देंगे और नीचे से फिर ऊपर जाता था लोकल और उस जमाने में लोकल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा हो गई थी जब आप मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे थे एंड आपने देखा है हमने सबने देखा है कि उसके सम्राट क्या होते हैं क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लोकल इलाके से होता है ना कि वो खंबा है जिसको किसी ने खड़ा किया और आपने उसकी मोहब्बत में उसको वोट देना है तो इसी तरह जब अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप उस इलाके में नहीं रहते हाउ कैन यू टेल यार कौन सा बंदा क्या कर रहा है तो ये मेरा पॉइंट था

ये कौन सा तरीका है किसी से अख्तिलाफ़ करने का या नहीं नहीं मैं तो सर देखिए मैं तो अपनी हमेशा जिसे कहते हैं ना हाँ बड़े अफसोस की बात है भाई तो कोशिश ये करता हूँ कि जितने यंगस्टर्स हैं यूथ हैं उनको हमेशा इसी समझाता हूँ कि यार किसी से डिसएग्री करना है तो बात अखलाक के दायरे से जब बाहर चली जाएगी तो वो बहस हो जाती है अगर मैं और आप आर्गूमेंट कर रहे हो मैं भी तमीज़ से बात करूँ आप भी तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ माई आर्गूमेंट ज्यादा हो जाएगी आप मेरी बात सुन लेंगे अगर मैं वो नादर तैनू तो पता नहीं कहेंगे तेनों नहीं पता लड़ाई शुरू हो जाएगी और बात ना आपको मेरी समझ आएगी ना मुझे आपकी आएगी अगर हम दोनों बैठ के एक एक पॉइंट लिखेंगे भाई मेरा ख्याल से ये होना चाहिए आपके ख्याल से क्या है वी माइट एग्री चांसेस ज़्यादा हैं कि हम एजुटेट ना करें और किसी सोल्यूशन में पहुँच जाए सुनील भाई आपके हिसाब से आज की यूथ पाकिस्तान की सोशल मीडिया सही चला रही है यार yeah, मुझे ये लगता है कि आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस यूथ और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं दे आर वेरी ब्राइट दे आर वेरी स्मार्ट मतलब मैं आजकल के छोटे बच्चों से देखता हूँ कि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ मैं उस उम्र में जो उनकी उम्र में जो उनका इंटेलेक्ट है जो उनका एक्सपोजर है मैं उसके वन थर्ड पर भी नहीं था अच्छा और मैं बड़ा ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ हम बड़े बे बेवकूफ़ डार्ड किस्म के लोग होते थे हमारे जमाने में अब के जो बच्चा है वो बहुत स्मार्ट है अब का बच्चा जो पैदा होता है उसको पता है कि फिंगर फिंगर पर टच जाना है मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ 2002-3 में जब पहली बारी कोई टच स्क्रीन आई थी तो मैं दो तीन दफ़ा सोचता रहा था कि उसको मैं टच करूँगा तो अंदर से करंट तो नहीं लगेगा एंड टेलिंग यू द ट्रूथ गाड़ियों के अंदर भी टेक्नोलॉजी वाइज ही बात करें तो दुनिया बहुत आगे चलेगी बट अडेप्टिलिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी अडेप्टबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे यंगस्टर में बहुत ज़्यादा है येस वॉट वी नीड टू डू इज़ के हमने उनको सारे जो मीडियम्स हैं उनको थ्रो कर दें बहुत ज़्यादा जो उनकी बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग बनानी ना जो मैं हमेशा कहता हूँ तरबियत घर पर हो सकती है वह उसको घर पर तरबियत करके बना सकते हैं कि यार आपने किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है एग्जाम्पल है कि अगर कल्चर की बात है हमारे के पी के में कल्चर है कि उनके वहाँ पे असला बड़ा आम होता है तो उनमें छोटे बच्चे भी असला चलाना सीख लेते हैं हमारे और आपके घरों में नहीं है तो उनको मसला होता है इसी तरह अगर सोशल मीडिया है आज समझने वो एक नई चीज़ आई है और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आ गई है तो बजाय इसके कि हम उस पर कदगन लगाने की कोशिश करें हम उसको ताले लगाने की कोशिश करें वो कर यू फिर भी लेंगे सो वी हैव टू टेल दैम एंड एजुकेट दैम कि ये चीज़ है मेरी बेटियाँ दो हैं एक तेरह साल ग्यारह साल की एक पंद्रह साल की ठीक है सोशल मीडिया पूरा खुला हुआ है सही वो कभी बात करी होंगी जी मैं फ़लानी चीज़ है उसका क्लीन वर्जन ये वो तो मैं आई एम आई सरप्राइज एट टाइम्स ऑल्सो बट अगेन उनके लिए भी वो पूरा इंटरनेट खुला हुआ है आप उनको बता दें ये चीज़ें हम खुद जो है ना हमारे यहाँ पे एक कल्चर में एक चीज़ है कि हम चीज़ें छुपाते हैं कि नहीं यार ये नहीं बताना इनको भी इसकी एज नहीं वो पता तो उनको लगना ही हर चीज़ दुनिया में तो अगर आप अपने बच्चों की तरबियत सही करेंगे उनकी बेसिक सही करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी यूथ में मुझे कोई एतराज़ उस लिहाज से नहीं है यस हर चीज़ का गलत इस्तेमाल भी है सही भी है आप बंदूक अपने प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को हर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं इसी तरह सोशल मीडिया दीन के लिए भी काम इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है मैं बल्कि इस बात से बड़ा खुश होता हूं कि भाई पुराने जमाने में हमें दीनी मिसाइल समझने के लिए बड़ा इस बारे में सोचना पड़ता था कहाँ पे जाना है कैसे जाना है अब, अब तो एक एक ये आ गया ठीक है तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा आसानी होगी यारे बेसिक ठीक कर ले मसलक बाद में डिसाइड कर लें टाइम के साथ क्या क्या बात उसमें कोई किसी को मना तो नहीं कर रहा अच्छा सुनील भाई क्योंकि आप भी हम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है सर सर uh, यूट्यूबर्स पे अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है नाम डकी ले लेता हूँ और है। माज है और एक वो लड़की है जो ब्लॉगिंग करती है और कभी कभी हम भी आ जाते हैं लगने में जैसे अभी आपने बताया बहुत बैकलैश आ गया और ये, साथ नहीं साथ नहीं। ये नहीं है, मैं तो के ये ये बात ये बात मैं रिपीट करूंगा आपकी ये जो हेटर्स वाली बात कि असगर खोसो और आपके लिए मैं भी बोलता हूँ कि यार आपको लोग बहुत प्यार करते हैं और आप लोग वाकई हेटर्स पे क्योंकि आप गाड़ी और अपने कॉन्टेंट पे ही वो इस पर आप क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो ट्रोलिंग और बहुत ज्यादा डिफेम करना और मैं पिछले दिनों देख रहा था तो एक मेंटल हेल्थ तो खराब होती है यार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अगेन हमारे माशरे में ना बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है हिपोक्रेसी को उर्दू में क्या कहते हैं भला मुनाफकत। मुनाफकत।, मुनाफकत मुनाफकत ये है कि मैं वैसे बोलूंगा यार नादिर बहुत छूट है बड़े चीप जोक करता है लेकिन जिस दिन मुझे नादिर एयरपोर्ट में मिलेगा मैं कहूँ नादिर भाई बड़े अच्छा काम करते सेल्फी हैं सेल्फी खींच लेते हैं अगर तो मुझे नादिर बुरा लगता है ना तो मेरे पास को नादिर ने को मुझे गोली मार के तो नहीं मेरा कंटेंट देखो यूट्यूब लाखों चैनल आई शुड अवॉइड इट एंड एक वीडियो सर्च इंजन है हा? उसे आप जब तक सर्च नहीं करेंगे और जाके किसी की वीडियो देखेंगे नहीं आपको कैसे सर मैं एक दफा आ गई आपकी वीडियो सामने मुझे आप नहीं आते मैं नहीं देखूंगा मैं कुछ और सर्च कर लूंगा तो हमारे अंदर मुनाफकत ये है कि हमने देखना भी है

तो भाई हम चार नहीं वोट देना ना हम झूठे वोट देके हो कैसे भाई सुनील भाई कोई दूध का धुला नहीं है और गलतियां हो सकती हैं मैं अपने आप को डेली अपने आप को फिल्टर करता हूं कि यार किस तरीके से बेहतर करूं बिल्कुल माजी में गलतियां हुई होंगी मैं तो मैं ये, तो मैं सर, ये तो? कान पे हाथ लगा के कि कितनी दफा माजत की सुनील भाई अगर कभी मेरे से किसी चीज का आपका दिल दुखाओ तो मैं आपसे ऑन एयर माफी मांगता मांगा मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ और ये आपके तवसु से जैसे? ये बात ज़रा पहुंचे कि एक यूट्यूबर जो होता है ना वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह काम करता है आप जाते हैं अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट पिक एंड चूज़ करते हैं और ले जाते हैं मैं उमा एक वाला भी शो कर रहा हूँ मैं प्रैंक्स भी कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ गलती हो जाती है लेकिन एक जो कल्चर आ गया ना माँ बहन की गालियाँ देना और ये देना ये बड़ी तकलीफ़ होती है शदीद वाली और अच्छा वैसे आपको होती है मैं तो बात कर मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं जिस बात ना यंगस्टर देखें जो डकी की की मास एज है ना मेरे से आधी उम्र के हैं दोनों बिल्कुल है ठीक है तो मैं आज उनसे एक्सपेक्ट करूं कि उनके अंदर वही मेच्योरिटी लेवल है जो मेरे में है नहीं है मैं अगर अपने आप को उस एज पे लेके जाऊं तो मैं शायद उनसे भी बहुत ज्यादा गलत कॉन्टेंट बना रहा था तो मैं अपनी मैं अपनी बात करूँ इंसान को एज बहुत चीजें सिखाती है विद टाइम आप सीखते हैं अगर आप उनको भी देखें इवॉल्व हो रहे हैं डकी रोस्टिंग से स्टार्ट हुआ कहां गया अब क्या कर रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को उसको कह रहा हूं कि बड़ा अच्छा कर रहा है कोई भी हो एक्स वाई ही मेरा पॉइंट ये कि यार लोग विद टाइम इवॉल्व करते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि मेरी जो गलतियां हैं उस पर आप आंखें बंद कर लें और दूसरे की गलती में मक्खी की तरह उसके जख्म पर जाके बैठू ठीक है हम इग्नोर नहीं करना चाहते हम दूसरों की पॉइंट निकाल के उसके ऊपर बात करना चाहते हैं हम बड़े दिन बड़ी एक एग्जांपल सुनी थी कि देखो वो मतलब हमारे माशरे में मर्द औरत को भी लदा किया जाता है कि सिगरेट पीने से मर्द के तो फेफड़े खराब होते हैं और औरत का करेक्टर खराब हो जाता है यही है ना हमारे माशेरे में कि जो औरत अगर सिगरेट पी रही तो क्रेक्टर क्रेक्टर है तो उसका करेक्टर खराब खराब दोनों के फेफड़े खराब होते हैं बट हम मर्दों ने यह बना लिए कि हमें अलाउड है हमारे पास लेसेंस है औरतों के पास बात तो तो है सिमिलरली हम लोगों ने हर किसी के लिए ला रूल है अगर मैं कोई गलती करूंगा ना तो मैं कहूंगा यार नादिर को चाहिए कि इस पर दरगुजर करे मैं उसके लिए चार पांच दिन जो है ना वो कोटेशन भी ले आऊँगा जब नादिर की बारी आएगी ना तो मैं कहूँगा कि नहीं इसको नहीं मैंने छोड़ना सो so, मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए अल्लाह पाक ने हम लोग को ऐसे बनाया है और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि आप हैं मैं हूँ जो भी है हम अपने नसीब का खाते हैं ठीक है अगर मेरी और आपकी जिंदगी का एक दिन अल्लाह में दुनिया को एक्सपोज कर देना तो लोग हमारे ऊपर मैं मजाक के ला कहता हूँ थूकेंगे नहीं Hmm. जितने हम सारे एक कोई भी दूध का एक बहुत, है। है? बहुत बड़ी बात तो अगर है। रब ताला जो है वो हमारे ऊपर पर्दे, पर्दे उतार ले हम लोगों के पर्दे उठाने पे एक दिन के, एक दिन दिन के के भाई क्या अच्छी बात सिर्फ एक दिन के उठा देना तो मैं बता रहा हूँ दोबारा आपसे और मेरे से सेल्फी ना ले सही सही भी दूर की बात है हाथ ना मिलाए ठीक है तो जब हम अपने रब से ये एक्सपेक्ट करते हैं और अल्लाह की हमारे पे कर्म नवाजी के वो पर्दे डाली रखता है तो हम क्यों लोगों के पर्दे उठाते हैं हम क्यों वो मक्खी बनती है जो जख्म पे बैठते हैं हम उसमें पॉजिटिव चीज क्यों नहीं ढूंढते मैं एक बात कहता हूँ पता नहीं ये बात भी भाई कहीं बुरी ना लग जाए कि अपने दुखों से दुखी नहीं है दूसरे का सुख देख के दुखी है तो हाँ सा एतवार की आ... छुट्टी <laughs> तो जब छः दिन वेले और एतवार की छुट्टी तो फिर जो मर्जी करी जाए फिर की बोर्ड पर लिखी जाए जो मर्जी उसको दिल पर ना लिया करें यही बात है यही बात है देखिए सुनील भाई कुछ भी हो एक मेंटल हेल्थ खराब होती है फर्क तो पड़ता है जैसे अभी आपने भी एक गिला किया ना एज के साथ होता है मेरा ख्याल है जो अगर मेंटल हेल्थ वही माज और डकी का फर्क पड़ता होगा हो। मेरे और आपके शायद उससे कम पड़ता है और अगर हो। हमसे बड़ी उम्र का होगा तो वो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका तो खैर वो तो एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे होते हैं और पता नहीं हवा में गालियां दे रही होती है क्या क्या हो होता है उसमें भी खिलाफ हूँ देखे आप पॉलिटिशियन को गाली नहीं दे सकते आप वोट ना देना यार गाली क्यों देनी है गाली एक ऐसा प्यार है जो कि एक हारे हुए इंसान के आगे है बचपन में जब आपकी लड़ाई होती है ना किसी से वाँ, वाँ, अगर आप उसको मार सकते हो तो आप मार सकते, मार देते हैं आ, अगर आप नहीं मार सकते फिर तो आप गालियां देते थे सारे को बचपन में ये था जिसको आप मार सकते थे जोर डालता था आप मार देते थे और जिसको नहीं मारते थे या उसके मुंह थोक देते थे या गाली देते थे तो पॉलिटिशियन आपको नहीं पसंद है ना बोड़ने गाली तो मुझे लगता है कि आपकी तरबियत का फुकदान शो करती है वो आप अपना आप दिखा रहे होते हैं कि मुझे क्या सिखाया गया कई लोगों का एतराज था कि जी फलाना जो है मुझे पिछले दिनों किसी ने बोला जी ये आपके के जी वो मथीरा की वीडियो बनाई मैंने कहा अच्छी पहली बात तो मुझे नहीं पता वो खातून कौन है आपको पता है वो कौन है तो इसका मतलब आप उनको देखते हैं तो फिर आप क्यों एतराज कर रहे हैं आपने मेरे वाले साहब को नहीं पता मथीरा कौन है तो आप उनके साथ दस वीडियो बनाए उनको सैर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जिसको पता है वो इतराज कर रहे हैं ना इसका मतलब वो जानता है कि वो कौन है या उसको कोई इशू है बिल्कुल है जो हम बात करते हैं इंटरनेट के ऊपर होता है बड़े बड़े मजे की एग्जांपल बताता हाँ। अक्सर लोग मैसेज करेंगे कि जी वो वो व्हील्स पे जो गूगल चल रहे हैं हैं वाले है, आपको शर्म नहीं आती आपकी इतने पैसे कम हो गए मैंने कहा भाई गूगल सर्च इंजन आपकी वेब हिस्ट्री पे चलता है अल्लाह तो जाके कंप्यूटर देखें अपना कि उसको कौन यूज करता है उसमें क्या सर्च करता रहा इसमें मेरी गलती नहीं है गूगल एड में मैं अपनी तरफ से ब्लॉक करता रहूंगा कि चलो ये एडवर्टाइजर ना है लेकिन वो आपकी सर्च हिस्ट्री पे उठा रहा है मोबाइल डिवाइस हैं फेसबुक है वो ए है मैं और आप इस टाइम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे आप फेसबुक खोल के देख लें उसी का एड आ रहा होगा यार ये बात बिल्कुल ठीक है ये सही तो मैं कहूँ की जी नाजिर अली की वीडियो के ऊपर जो गंदे ऐड चल रहे हैं शर्म नहीं आती पी बगैर हो गया <laughs> तो मैं पहले अपनी सर्च हिस्ट्री देख लू ना अपने गिरबान में झांकू वो नहीं झाकना बिकॉज जब मैं तो ये कहता हूँ जब एक उंगली आप अगले की तरफ करते हैं चार आपकी तरफ आ रही होती है तो आप वो क्यों नहीं देखते बट जनरली ये लोगों में नहीं है एंड अगेन ये हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा मैं कभी भी किसी को भी ये बात भी बताता हूं मैं बड़ी तमीज से कहता हूं मैं ये नहीं कहता मैं कहता हूँ यार हो सकता है आपका कंप्यूटर कोई और बंदा यूज करता हो जिसकी वजह से ये होता है एंड नाइन्टी परसेंट केसेज मैं आपको बताऊँ जो ट्रोलिंग की भी बात हो रही थी ना मैं आपको मजाक नहीं बता रहा अगर कभी किसी ने मेरे से कोई बदतमीजी की है ना व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आगे से कहता हूँ यार थैंक यू वेरी मच अल्लाह में आपको खुश रखे नाइनटी नाइन परसेंट केसेज में आगे माफी का मैसेज आता है और ये मैं आपको मजाक नहीं बता रहा मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो अच्छे अखलाक से आप जीत सकते हैं अटेंशन लेने के लिए भी होता है

और मैं समझता हूँ कि अगेन ये बात दोहराऊँगा दूध का धुला कोई नहीं है हर बंदा अपने आप को बेहतर करे हम भी कर रहे हैं और आपको भी चाहिए कि आप भी देखें कि अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो आप लोग भी दूसरे की बेहतरी के बजाय अपनी बेहतरी पे ज़ोर दें और जब हर बंदा अपनी करेगा कलेक्टिवली पूरा माशरा ठीक हो जाएगा माशरा ठीक हो जाएगा भाई क्या बात है भाई सुनील सरफराज मंज साहब भाई बेहतरीन मज़ा आ गया सर अल्लाह आपको दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की दे अल्लाह आपके पाक व्हील में बरकते दे आपके जो भी कारोबार हैं आपकी फैमिली आपकी माशाल्लाह दोनों शहजादियों का नसीब अच्छा करे आपके वालदे अगर हयात हैं हयात हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और जवाल नमत से बचाए हमारी दुआ थैंक। है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और और आपने पहले भी कई दफ़ा बुलाया लेकिन वो आना नहीं हो सका मैं सर मसरूफियत और मकर का फ़र्क समझता हूँ आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं और क्योंकि पाकिस्तान में इसमें कोई दो राय नहीं है गाड़ियों का बेताज बादशाह एक ही बंदा है वो है नादिर अली <laughs> <laughs> सुनील भाई है और रहेंगे सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को इख्ताम करेंगे इस यकीन इस दुआ इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखिएगा मुझे और सुनील भाई को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि